नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बार फिर मैं बहुत सारी करीब दर्जन भर कतरा कतरा खबरों को लेकर आपके बीच हूँ। अलग अलग खबरें बहुत सारी हैं, अलग अलग किस्म की हैं। कुछ सरकार की है, कुछ अदालत की है, कुछ सार्वजनिक खबरें हैं, कुछ धार्मिक संगठनों की हैं, कुछ धर्म गुरुओं की हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में धर्म का दखल कितना बढ़ गया है या बढ़ाया जा रहा है। कैसे ये लोकतंत्र धर्म के इतने बड़े बोझ को ढो सकेगा, ये बड़ी फिक्र की बात है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि धर्म लोगों की ज़िंदगी में निजी आस्था तक तो ठीक है, लेकिन जब धर्म समाज की समरसता को, समाज के सांप्रदायिक सद्भाव को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होने लगे, नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल होने लगे, कानून तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने लगे, चुनाव लड़ने और जीतने के लिए इस्तेमाल होने लगे, तो किसी भी लोकतंत्र को ये फिक्र करने की ज़रूरत है कि धर्म का दखल हमारी ज़िंदगी में, हमारे लोकतंत्र में और कितना बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा। क्या हम धर्म को खा सकते हैं? क्या हम ऑक्सीजन वाली हवा की जगह धर्म को नाक से सूंघ सकते हैं, भीतर ले सकते हैं सांस की जगह? क्या हम पानी की जगह धर्म को पी सकते हैं? क्या हम खाने की जगह धर्म को खा सकते हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है कि देश के अलग अलग बहुत सारे तबके धर्मों को सब कुछ मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि और कुछ रहे ना रहे, धर्म रहना चाहिए। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, ये बड़ा बिखरा हुआ मुद्दा है, गठा हुआ नहीं है और मैंने कोई तैयारी नहीं की है इस पर बोलने के लिए। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा आदेश से जो उसने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को दिया है कि उसके साफ साफ फैसले के खिलाफ इन तीनों राज्यों में दिवाली पर फटाके कैसे फोड़े गए, जो प्रदूषण इतना बढ़ गया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू है पूरे देश पर, तो इन तीन राज्यों ने खासकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बंगले, सुप्रीम कोर्ट की अपनी इमारत, देश की राजधानी दिल्ली में, इन तीन जगहों का प्रदूषण सीधे हमला करता है, अपने अपने इलाकों में भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस बात का जवाब दें ये तीनों सरकारें और हलफनामे पे दें कि उसके साफ साफ फैसले के बाद फटाके फोड़ने पर रोक क्यों नहीं लगाई इन सरकारों ने। अब मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान में पटाखे फोड़ने को, दिवाली पर पटाखे फोड़ने को हिंदू धर्म के लोग अपना एक मौलिक अधिकार मानते हैं। अच्छी बात है, आपके धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है दिवाली, आप इसको अपना हक मान लीजिए। लेकिन इससे नुकसान किसका होता है? हिंदू त्यौहार पे फटाके सबसे अधिक कहाँ फूटते हैं? हिंदू इलाकों में फूटते हैं। अगर दूसरे धर्मों के लोग हैं तो शायद वो कुछ कम फोड़ते होंगे। हिंदू इलाकों में सबसे अधिक पटाखे जलाए जाते हैं, फोड़े जाते हैं, जहरीली हवा उन्हीं इलाकों को सबसे पहले प्रभावित करती है, लोगों को सांस की तकलीफ हो जाती है, लोगों को अस्थमा होने लगता है, बीमारियाँ होने लगती हैं, बहुत ख़राब हालत होती है दिल्ली जैसे शहर में। या मैं तो अपने इलाके की बात कह रहा हूँ, मेरे इलाके में, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वो संपन्न लोगों की कॉलोनी है, इतने फटाके फोड़े जाते हैं, आवाज़ तो एक बात हुई, धुआं इतना हो जाता है कि मैं अगर घर के बाहर निकल जाऊँ तो बरामदे में पहुँचते ही दम घुटने लगता है। तो क्या ये हिंदुओं का मौलिक अधिकार रहना चाहिए कि दिवाली पर सबसे ज़्यादा फटाके फोड़ें? हिंदुओं का कहना है कि दूसरे धर्म के ऊपर ये रोक क्यों नहीं लगती है फटाके फोड़ने पर। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में और कौन सा धर्म है
जिस धर्म के त्यौहार पर दिवाली की तरह फटाके फोड़े जाते हों। फोड़ते होंगे लोग, थोड़े बहुत फटाके फोड़ते होंगे। मैं नहीं जानता कि बैसाखी पर, ईद पर, बुद्ध पूर्णिमा पर, महावीर जयंती पर इनमें फटाके फोड़े जाते हैं, मैं नहीं जानता। तो चूंकि दूसरे धर्मों के त्यौहारों पर पटाखे ऐसे नहीं फोड़े जाते हैं, तो क्या हिंदू जो हैं अपना बुनियादी हक साबित करने के लिए, फंडामेंटल राइट, अपना धार्मिक अधिकार साबित करने के लिए अपने ही धर्म के, अपने ही परिवार के लोगों के फेफड़ों को छलनी करें? क्या इसमें समझदारी है? क्या आपका धर्म आपको ये सुझाता है, क्या आपको ये छूट देता है कि आप आस पड़ोस के, मोहल्ले के, शहर के, देश के लोगों का जीना हराम कर दो हल्ले गुल्ले से? धर्म तो मैंने सुना है कहीं कहीं पर हर प्राणी के प्रति दयालु होना सिखाता है। जो बड़े बड़े फटाके फूटते हैं दिवाली में, कुत्तों का क्या होता होगा, पंछियों का क्या होता होगा, बिल्लियों का क्या होता होगा? क्या उनके कान इतने धमाके बर्दाश्त कर सकते हैं? ये एक बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा है 3 राज्यों से। मेरा मानना है किसी भी धर्म के लोग अगर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का दावा करते हुए इस कदर जीना हराम करते हैं, देश का, प्रदेश का, शहर का, अपने इलाके का, सबसे अधिक अपने धर्म के लोगों का, ये धर्म नहीं है। राम जब रावण को हरा कर, मार कर जब अयोध्या पहुँचे थे, जहाँ से दिवाली का त्यौहार शुरू हुआ था, तब न बारूद था, न पटाखे थे, न लाउडस्पीकर थे, न आतिशबाजी थी, कुछ भी नहीं था। घी या तेल के दिए लोगों ने जलाए थे। आज भी आप सोचिए, एक दिवाली ऐसी रहे जो जहरीले रासायनिक फटाकों से मुक्त केवल दिए जलाकर हो। आपको मालूम है, हम बहुत मेहनत करके 100 दिए अपने घर की बाउंड्री वाल पर, बरामदे पर, सब जगह लगाते हैं, पड़ोस में एक बड़ा धमाका होता है, पूरे 100 के 100 दिए बुझ जाते हैं एक धमाके में। क्या होना चाहिए दिवाली? हम दिए जला के रोशन करें अयोध्या की याद में, एक सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा के रूप में, कि एक बम फोड़कर कुत्तों का, बिल्लियों का, पंछियों का जीना हराम कर दें, इंसानों का जीना हराम कर दें और सारे दियों को बुझा दें? कितने लोग हैं जो 100-100 दियों को दोबारा जला सकते हैं? मेरे घर पे तो 2-3 लोग मिलकर इतने दिए जलाते हैं, सब बुझ जाते हैं एक धमाके से। इस बार तो पटाखे के धमाके से मेरे घर की एक कार की खिड़की के कांच चूर चूर हो गए। और दिवाली मनाने वाले लोगों का हाल ये था कि पड़ोसियों ने आके हमको बताया तक नहीं कि हमारे बम फोड़ने से आपकी कार का कांच फूट गया, चूर चूर हो गया, बताया तक नहीं। ये दिवाली है तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर 3 राज्यों से, राज्य सरकारों से हलफनामा मांगा है कि आपने रोका क्यों नहीं? ठीक किया है मेरे हिसाब से। आप कल्पना करके देखिए कि कोई ऐसी दिवाली हो सकती है जिसमें यूपी की तरह सरकारी खर्च पे 28 लाख दिए ना जलाए जाएं, जिसमें लोग खुद दिए जलाएं और आधी रात तक दिए ही जलते रहें, धमाके न किए जाएं, रासायनिक धुआं जहर न फैलाया जाए, बीमारों को और बीमार न किया जाए। कितनी अच्छी दिवाली हो सकती है। याद रखिएगा, ये धार्मिक परंपरा नहीं है पटाखे की, ये पटाखे अभी कुछ 100 साल पहले के हैं, ये धार्मिक परंपरा नहीं है। जब राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचे थे, उस वक्त बारूद नहीं था, पटाखे नहीं थे, केवल दिए जले थे। सोच के देखिएगा ऐसी दिवाली के बारे में, बजाय इसके कि जब दूसरे धर्म पे रोक नहीं है तो हमारे धर्म पे क्यों? कौन सा ऐसा और धर्म है हिंदुस्तान में जिसमें हिंदुओं की दिवाली जितने पटाखे फोड़े जाते हों? कोई धर्म है? या धर्म के नाम पे आप अपने लोगों के फेफड़ों को छलनी कर देना चाह रहे हो? ये एक बात हुई। दूसरी बात, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक आदेश आया है 2 दिन पहले
वहाँ एक PIL गई थी कोर्ट में, जनहित याचिका, जिसमें कहा गया कि पूरे प्रदेश के थानों में मंदिर बनवाए जा रहे हैं, और कोई मंदिर नहीं बनते हैं थानों में, बजरंगबली के मंदिर बनाए जाते हैं जिनको ताकत और शक्ति का ईश्वर, देवता, भगवान माना जाता है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है चीफ सेक्रेटरी को, DGP को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि सारे थानों के मुखिया रहते हैं, उनको नोटिस जारी किया है कि थानों में या किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, पुराना फैसला है उसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, ये क्यों किया जा रहा है, इसको तुरंत रोको जो अभी बना रहे हो इसको, और बाकी के बारे में हलफनामा दो। चीफ सेक्रेटरी से और DGP से हलफनामा मांगा गया है कि थानों में मंदिर कैसे बनवाए गए, कैसे बनवाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दबा छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश में हर महाधिवक्ता को, हर लॉ सेक्रेटरी को, हर DG को, हर CS को, सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ फैसला है, किसी सार्वजनिक और सरकारी जगह पर कोई धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता। इसके बावजूद पूरे प्रदेश के थानों में मंदिर बनवाए जा रहे हैं, हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, हाईकोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ रहा है, तो सरकार, प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम करे, उसको रोकने के लिए कोई जनहित याचिका लेके हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से हलफनामा मांगे कि ये कैसे हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? मैं जानता हूँ कुछ बहुत बड़े अफसर, उसमें से एक छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी भी हुए थे, उनकी अपनी निजी आस्था थी, उनकी धार्मिक आस्था किसी एक जगह पर थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने टेबल पर कांच के नीचे फोटो नहीं लगाई, गाड़ी पर कोई निशान नहीं लगने दिया, ऑफिस में कोई कैलेंडर नहीं टांगा जिससे आस्था समझ में आए, किसी तरह से अपनी आस्था का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया था। उनका मानना था कि सरकार को किसी भी आस्था प्रदर्शन से दूर रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम थानों में मंदिर बन रहे हैं, बन चुके हैं, बन रहे हैं, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट को हलफनामा मांगना पड़ा है, कैसे हलफनामा देंगे, क्या करेंगे, मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैं दिलचस्पी से देख रहा हूँ। ठीक वैसा ही दूसरे कुछ प्रदेशों में वैसा ही हो रहा है, सरकार को धर्म से एक दूरी बनाकर चलना चाहिए, धर्म को एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में, सामाजिक रिवाज के रूप में मान्यता देनी चाहिए, बाकी अपने आप को दूर रखना चाहिए। आपको ध्यान है कुछ महीने पहले की एक बात मैंने इसी कैमरे के सामने कही थी कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने, उप मुख्यमंत्री भी हैं वो, तो मंत्री से ज़्यादा वजन है उनका, उन्होंने कहा था कि उनका गृह जिला है कवर्धा, वहाँ पर जब कांवड़िया पहुँचेंगे तो पुलिस विभाग उनकी आरती उतारेगा और आरती उतार कर उनके ऊपर फूल बरसाएगा। ये कैमरे के सामने उन्होंने कहा था, इसमें कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं थी, और मैंने देखा बाद में खुद कवर्धा पुलिस ने, एक शोहरत पसंद SP थे वहाँ के, जिनका जिंदगी का खासा समय अपने वीडियो बनवाने में गुजरता है, तो उन्होंने अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ परेड जैसी तैयारी की, उसका वीडियो बनवाया। आखिर कांवड़िया पर फूल बरसाने और आरती उतारने के लिए तैयारी लगेगी, तो जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड की तैयारी करती है पुलिस, ऐसी तैयारी की गई है, मैंने उन्हीं के वीडियो में देखा, तैयारी की गई पूरी वर्दी में, तमाम लोगों ने आरती उतारी, जैसा कि हिंदुस्तान में ऐसे तमाम मौक़ों पर महिलाओं को झोंक दिया जाता है, तो यहाँ भी महिला पुलिस अफसर आरती उतार रही है, बाकी पुलिस वाले फूल बरसा रहे हैं।
इसी कवर्धा जिले में लगातार हिंसा की घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी लगातार। अभी गृह मंत्री उनको लेकर बड़े परेशान भी हैं। तो ये परेशानी जो है इसलिए भी हो रही है कि पुलिस को आपने आरती उतारने में झोंक दिया था, जिस पुलिस के एसपी का ऑल इंडिया सर्विस का जो नियम है उसके खिलाफ था ये, किसी एक धर्म के कार्यक्रम में इस तरह शामिल होना। मैंने सवाल भी उठाया था कि एसपी ने अगर गृह मंत्री के कहे हुए ऐसा किया है तो गृह मंत्री के घरेलू नौकर नहीं थे वो ऑल इंडिया सर्विस के अफसर थे, जिनका एक सर्विस कंडक्टर रूल है, उसके तहत उनको काम करना था। लेकिन नेताओं को मना करना अफसरों को अच्छा नहीं लगता है, उनके कहे हुए गलत काम करने में उनको बहुत मज़ा आता है, तो ये किया गया। ऐसे और कतरा कतरा बहुत सारे मामले में देख रहा हूँ। एक दूसरा मामला आपको बतला दूँ मैं, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बजरंग दल ने होर्डिंग लगाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, दूसरे शहरों में भी लगाए, कम से कम दो शहर भोपाल और देवास के होर्डिंग की तस्वीरें मेरे पास हैं, जिसमें लिखा गया है अपना त्यौहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें, बजरंग दल भोपाल, यही का यही बजरंग दल देवास और जगहों पर भी है। सवाल ये उठता है, पहले तो आप दिवाली अपना त्यौहार और अपने लोग, ये आप साफ कर दे रहे हो, आप किनके बारे में बात कर रहे हो, ये भी साफ कर दे रहे हो कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। वैसे तो दीपावली हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, और धर्मों के त्यौहार हिंदू मनाए ना मनाए, हिंदुओं का साल का एक सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली, इसको दूसरे धर्मों के लोग भी मनाते हैं। जो मुस्लिम कारोबारी हैं उनके दुकान में भी दिवाली पर पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी किसको बुरी लगती है। तो केवल अपनों से खरीदारी करो जो कि दिवाली मनाने वाले हैं, अपनों से व्यवहार रखो, क्या है ये? आप किनको काट देना चाहते हो, किनका बहिष्कार करना चाहते हो? मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं दिखता ये? हाईकोर्ट तो चलिए बहुत जल्दी नहीं जागता, कोई जाएंगे वहाँ पिटीशन करेंगे, तब तक ये खरीदारी निपट चुकी रहेगी, तब तक ये संगठन अपना काम कर चुका रहेगा, गैर हिंदुओं का बहिष्कार करवा चुका रहेगा। आज गैर हिंदुओं का बहिष्कार होगा, कल के दिन किनका बहिष्कार होगा? हिंदुओं के भीतर दलितों का होगा बहिष्कार, किसका होगा? जो सबसे ही किनारे रखे गए हैं समाज में, हिंदू समाज में, उनका होगा बहिष्कार, क्या है ये? ये धार्मिक फतवे, ये देश में विभाजन करने के फतवे, ये गैर हिंदुओं का बहिष्कार करने के फतवे कहाँ ले जा रहे हैं देश को, कहाँ ले जा रहे हैं? आप कहते हैं बंटेंगे तो कटेंगे, कौन किसको काटने जा रहा है? कोई काट सकता है किसी को? हिंदुस्तान में शायद 80 करोड़ आबादी हिंदुओं की होगी, ये 11वां साल चल रहा है देश में मोदी सरकार का, आधे प्रदेशों में भाजपा की सरकार है जो कि मोटे तौर पर हिंदुओं का ख्याल रखती है, तो कौन कटेंगे, कौन काटेगा? इतना असुरक्षित तो हिंदू कभी नहीं था कि जिसको आज कहा जा रहा है कि कटोगे, कौन काटेगा, कौन काट रहा है देश में हिंदुओं को? मुझको तो कोई नहीं दिख रहा काटते हुए, मुझको तो केवल नारे और फतवे दिख रहे हैं। थोड़ा हैरानी भी मुझको हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये उछाला नारा, बंटोगे तो कटोगे, उसको तुरंत ही उनके जो हम ख्याल संगठन है, समविचारक संगठन है, उन्होंने तुरंत लपक लिया इसको। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो
आरएसएस ने भी इस पे हामी भरी। कौन किसको काट रहा है? देश में एक सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और 11वां साल चल रहा है उनकी लगातार सरकार का। शायद आधे प्रदेशों में उनकी सरकार है, तो कौन काट सकता है हिंदुओं को? आप किसको खतरे में मान रहे हो, किसको डरा रहे हो? ऐसा तो कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा इतना, और सच तो यह है आज भी खतरे में नहीं है। क्यों आप बैठे ठाले किसी को डरा रहे हो कि बंटोगे तो कटोगे? कौन किससे बंट रहा है? आप हिंदू को मुस्लिम से बांटना चाहते हो, या सवर्ण से दलित को अलग करना चाहते हो? आप किसको किससे अलग करना चाहते हो? क्या बात कर रहे हो आप? क्यों कटने की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान में क्यों कटने की बात करना? इक्का दुक्का मुस्लिम लोगों को जगह जगह मारा जा रहा है, वो सबको दिखता है जगह जगह उनको, अकेले को किसी को पकड़ के। मैंने अभी एक वीडियो देखा, दिल दहल गया। एक मुसलमान खड़ा है, आंध्र तेलंगाना कहीं का वीडियो है, दीवार पे हिंदू देवी देवता बने हुए हैं पूरे, वहाँ लाठियाँ लेके, मर्द तो मर्द है, एक औरत भी है उनमें शामिल है उस भीड़ में, एक औरत भी, और उसको लाठियों से मार मार के, लाठियों से मार मार के उसे जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। 10-10, 15-15 लाठी, लोग और ज़्यादा होंगे, एक अकेले मुस्लिम, दुबला पतला मरियल सा मुस्लिम, उसको लाठियों से कूट कूट कर, मार मार कर उससे जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। वो दहशत में बड़बड़ाने के अंदाज में कह रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझको लगता है कि राम तक उसकी आवाज़ तो पहुंची होगी, जितने बार उसने कहा। क्या राम खुश हुए होंगे? क्या राम को अच्छा लगता है कि किसी दूसरे धर्म वाले से मार मार कर, मार मार कर, लाठी से कूट कूट कर, कहीं किसी की दाढ़ी मुंडी जा रही है, कहीं सिर के बाल मुंडे जा रहे हैं, कहीं जूते मारे जा रहे हैं, और जय श्री राम बुलवाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खत्म हो गया उनका कार्यकाल, मान लीजिए उनको नहीं दिखता अब, उनको दिखना कुछ अरसे से बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का अपना जो फैसला है वो दिखना बंद हो गया है उनको अब। हेट स्पीच, ये हेट स्पीच नहीं है तो और क्या है? एक मुसलमान को 10-10 लाठियां पीट कर उससे जय श्री राम बुलवा रही हैं। जस्टिस चंद्रचूड़, ये हेट स्पीच नहीं है तो और क्या है? दिखता नहीं है जस्टिस चंद्रचूड़ ये सब। मैंने बार बार अपने एडिटोरियल में लिखा है अखबार के, और एडिटोरियल में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर अपनी इज्जत की धेले भर भी फिक्र हो तो उनको पूरे प्रदेशों में अमिकस क्यूरी कहते हैं, न्याय मित्र जो अदालत की मदद कर सके न्याय तक पहुंचने के लिए, या तो पूरे देश के हाई कोर्ट में किसी किसी एक धर्मनिरपेक्ष वकील को ढूंढकर, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी कोई ना कोई धर्मनिरपेक्ष वकील मिलेंगे ढूंढकर, उनको नियुक्त किया जाए कि आपके यहाँ हेट स्पीच के जो मामले पूरे प्रदेश में दिखते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट भेजो, या सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमिश्नर बनाए जो पूरे देश की मीडिया को मॉनिटर करे, हेट स्पीच के मामले निकाल कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग सरकारों को नोटिस जारी करे। कुछ नहीं हुआ, कोई ढेला नोटिस जारी नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट से, केवल अपनी ऊंची मीनारों में बैठकर, बड़े बड़े काले लबादे पहनकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े नामी गिरामी जजों ने हुक्म जारी कर दिया है, हेट स्पीच के खिलाफ अगर स्थानीय पुलिस खुद होकर FIR दर्ज नहीं करेगी तो उसको अदालत की अवमानना माना जाएगा। ये सब कागजी जुमा खर्च है जस्टिस चंद्रचूड़, हुआ कहीं भी नहीं। आपने किसी एक को भी बुलाया हो, किसी एक पुलिस वाले को भी बुलाया हो कि तुम्हारे थाना एरिया में ये हुआ है, तुमने FIR क्यों नहीं की? एक थानेदार का तो आपने बुलाकर वहाँ कटघरे में खड़ा नहीं किया।
तो मैं सोच रहा हूं कि धर्म कितना हावी होगा इस देश में। सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना की फिक्र नहीं है, मुझको कई बार लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही दहशत में है। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि हमारे से ऐसा आदेश निकल तो गया है हेट स्पीच के खिलाफ, लेकिन इस पे अमल कौन करवाएगा? हम तो नहीं करवा सकते, तो चलो उसको सहूलियत के साथ भुला देना, अनदेखा करना ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सीख गया है देश में हेट स्पीच के नाम पे जो परले दर्जे की हिंसा चल रही है, परले दर्जे की, ये स्पीच से बड़ी है। ये एक अकेले मुस्लिम पे 15-15, 20-20 लाठियों की मार की स्पीच है, एक अलग जुबान है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको जुबान ना माने, क्योंकि जुबान से तो नहीं मारा गया है, महज लाठियों से मारा गया है। मुझको तकलीफ हुई, मैंने उस पल उस वीडियो को देखना बंद कर दिया, जब इस भीड़ में मुझको एक महिला भी दिखी। मैं तो मान के चलता था कि महिलाएं जो है उनके भीतर तो एक माँ रहती है, और एक हिंदू की माँ भी मुस्लिम के लिए दर्द रखती होगी, मुस्लिम की माँ हिंदू के लिए दर्द रखती होगी। एक हिंदू हमलावर भीड़ में एक महिला खड़ी हुई है और अकेले मुस्लिम को 10-10, 20-20 लाठियों से पिटते देख रही है और जय श्री राम बोलते देखकर खुश हो रही है। मैं नहीं जानता कि जस्टिस चंद्रचूड़ इससे खुश हुए हैं कि खफा हुए हैं, कोई रिएक्शन उनका नहीं आया है। ऐसे वीडियो दर्जनों घूम रहे हैं चारों तरफ। क्या किया जाए, कब तक धर्म को झेला जाए? मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन जो धर्म हावी है चर्चा तो उसी की होगी। कब तक देखा जाए इसको? मैं छत्तीसगढ़ लेके आता हूँ आपको, यहाँ का हाई कोर्ट बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, कम से कम पिछले 2 साल हो गए, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, ऐसे विसर्जन की झांकियाँ, इनमें जो अंधाधुंध हल्ले गुल्ले के साथ, शोरगुल के साथ जो डीजे बजाया जाता है, मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 10% समय केवल डीजे से जूझने में निकला है। अब उसमें लाइट जो मारी जाती है विसर्जन झांकी में और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में, आंखें जिससे खराब हो गई है, आंखों के डॉक्टरों ने लिखा है आंखें खराब हो गई, कान के डॉक्टर लिख रहे हैं कान खराब हो गया, दूसरे डॉक्टर बता रहे हैं बच्चा मर गया, बूढ़ा मर गया, एक का ब्रेन हेमरेज हो गया उस हल्ले से, वो मर गया। इतनी मौतों के बाद भी 2 साल हो गए, ये मैं आज की छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पे तोहमत नहीं लगा रहा हूं, पिछली कांग्रेस की जो भूपेश बघेल सरकार थी, उसी कांग्रेस सरकार की पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उसके प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता, हमने अभी बीच में इंटरव्यू भी किया है उनको 2-3 बार साल डेढ़ साल में, वो नाक कान गला ENT के डॉक्टर हैं, कान को जानते हैं वो कि शोरगुल से कान कैसे खराब हो रहा है, लगातार लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, नोटिस भेजते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, जब उनकी पार्टी की सरकार थी तब भी लिखते थे। न वो लिखते हुए थकते हैं, न मैं बोलते हुए थकता हूँ, न छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हुक्म देते हुए थकता है, न हलफनामे मांगते हुए थकता है। अफसर तो थकते ही नहीं है, क्योंकि अफसर उसको रोकने की कोशिश ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते तो थकेंगे कहाँ से। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट DGP से, चीफ सेक्रेटरी से, SP से, कलेक्टर से, सबसे हलफनामे ले चुका है, ये कह चुका है कि ऐसा लगता है कि अफसर कुछ करना ही नहीं चाहते, इसको रोकना ही नहीं चाहते। जिंदगी सुख चैन की, शांति की जिंदगी, अमन चैन से जीने का एक सामान्य नागरिक का हक, उसके पर धर्म को कितना हावी होने दोगे? आप सनातन धर्म को हजारों साल पुराना बतलाते हो, हिंदू धर्म भी हजारों साल पुराना बताते हो, लाउडस्पीकर तक का तो पूरा इतिहास ही 200-300 साल पुराना होगा,
कुल तो 300 साल पुराना होगा। मैं अभी देख के बताऊंगा तो सीधा सीधा भी बता सकता हूँ, मैं कुछ रियायत बरत कर 200-300 साल बोल रहा हूँ, उतना ही पुराना होगा। आज वो पूरी जिंदगी, आज वो लोगों की जिंदगी पे इस कदर हिंसक तरीके से थोप दिया गया, किस लिए? कौन से ईश्वर, कौन से देवी देवता, कौन से गणेश दुर्गा खुश होते हैं इस शोरगुल से? आप लोगों का जीना हराम कर रहे हो। आप कह रहे हो कि केवल हिंदू धर्म पे क्यों होता है ये हमला? अरे जो धर्म सबसे बड़ी आबादी रखता है, अगर वही ये काम करेगा तो दूसरे धर्म के लोग भी देखा देखी यही काम करेंगे। तो अगर रोकना है तो जो बड़ी आबादी है, जो सबसे बड़ी जनसंख्या जिस धर्म की है, वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज हिंदुओं के बीच अगर शोरगुल की ये परंपरा रोक दी जाएगी, ये परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, ये 150 साल के भीतर की है, ये इसको अगर रोक दिया जाएगा तो मजाल है कि दूसरे धर्मों के अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो इसको कर सकेंगे। अफसरों पे भी दबाव रहेगा कि जब हिंदू लाउडस्पीकर नहीं बजा रहा है तो दूसरा कोई कैसे बजा ले। और भी मेरे पास दर्जन भर ऐसी खबरें हैं, लेकिन मैं कितनी खबरों को गिनाऊं, कितनी मिसालों को गिनाऊं मैं? लोग बात बात पे कहने लगेंगे तो मुसलमान के और ईसाई के और सिख के धर्म में जब फटाका फूटता है और लाउडस्पीकर लगता है उसको नहीं रोकते। किसी भी जगह जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है या जो सबसे बड़ी जमात होती है, सबसे बड़ी बिरादरी होती है, जिस धर्म की आबादी सबसे अधिक होती है, सुधार की शुरुआत वहीं से करनी पड़ती है। आज अदालत लाठियां लेकर सरकारों के पीछे पड़ी है, मध्य प्रदेश में पड़ी है, छत्तीसगढ़ में पड़ी है, पंजाब में पड़ी है, हरियाणा में पड़ी है, दिल्ली में पड़ी है। यूपी का भी एक दूसरा मामला है, मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। यूपी का एक दूसरा मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कई किस्म के भयानक फैसले वहाँ से निकलते हैं। एक फैसला दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि यूपी का मदरसा कानून जो है 2004 का असंवैधानिक है, खारिज कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत था, ये कानून संवैधानिक रूप से सही है। इसकी कोई छोटा मोटा प्रावधान जो है, हो सकता है कि नई शिक्षा नीति वगैरह से कुछ उसमें मतभेद हो, लेकिन कानून पूरा का पूरा खारिज कर देना पूरी तरह से गलत था। मदरसा, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, मुस्लिम बच्चे जहां पढ़ते थे उनके मदरसे में, मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं उसके, लेकिन कानून है वहां का, उत्तर प्रदेश का, उसके तहत मदरसे में मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये खारिज करना गलत था। ये चलते चलते आखिरी में एक बात और कहूं कि आपसे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अभी इंडियन एक्सप्रेस अखबार के कार्यक्रम में गए थे, वहां उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि गणेश चतुर्थी के दौरान उनके बंगले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने में कोई बुराई नहीं थी, प्रधानमंत्री आए उसमें कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ये सामान्य मुलाकात है, भले सामाजिक स्तर पर क्यों ना हो। अब अभी आज से 5 दिन में चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे, ये ठीक है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन क्या ये जरूरी था? क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बिना किसी फायदे के सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को इस तरह संदेह के बादलों के नीचे लाना जरूरी था? इसको अंग्रेजी में अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी कहते हैं, ये टाला जा सकने लायक विवाद था।
धर्म के ही कारण हुआ ये। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के हैं, गणेशोत्सव महाराष्ट्र का है, मनाया पूरे देश में जाता है, शुरुआत वहाँ की है। प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर जब वहाँ गए थे, वे अपनी पोशाक का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो वो महाराष्ट्रियन टोपी, गांधी टोपी जैसी जो महाराष्ट्र में चलती है, उसको पहन के गए थे। उन्होंने आरती की गणेश की, चीफ जस्टिस एक तरफ, उनकी पत्नी दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री आरती कर रहे हैं, बड़ा धार्मिक वातावरण था। मैं खिलाफ नहीं हूँ, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है, लेकिन क्या चीफ जस्टिस को अपने परिवार के घर के निजी गणेशोत्सव में, ये सुप्रीम कोर्ट का गणेशोत्सव नहीं था, चीफ जस्टिस के बंगले का निजी गणेशोत्सव था, क्या उसमें प्रधानमंत्री को बुलाना ठीक था, सही था? या एक धार्मिक आयोजन जो परिवार के भीतर था, क्यों उसमें इस विवाद से बचा नहीं जा सकता था? मुझको लगता है चीफ जस्टिस जो भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चंद्रचूड़ नहीं और जो भी होते होंगे, इनके सब के बीच एक सहज समझ रहती होगी, कॉमन सेंस सब में रहती होगी, ऐसा मेरा मानना है। उनको ये समझ में नहीं आता होगा कि इससे न्यायपालिका की साख जो है उस पर कुछ आँच आ सकती है, लोगों के मन में संदेह हो सकते हैं। क्यों धर्म इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए था कि अदालत की साख पे एक संदेह खड़ा करने के कीमत पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया? प्रधानमंत्री की मजबूरी हो सकती है कि चीफ जस्टिस अपने घर के गणेशोत्सव पे बुला रहे हैं, तो मैं कैसे मना करूं? धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन है, चले गए होंगे वो। इन दो में से अगर किसी एक पर अगर तोहमत लगनी है तो मैं चीफ जस्टिस पे लगाऊंगा। अरे जस्टिस चंद्रचूड़, आपके मातहत जितने अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं धर्मांधता से, वो लड़ाई लड़ रहे हैं धार्मिक दिखावे से, प्रदर्शन से। आप अपने घर के गणेशोत्सव पे प्रधानमंत्री को बुलाकर एक निहायत गैर जरूरी विवाद खड़ा कर रहे हो। मैं थोड़ा हैरान हूँ, क्या हिंदुस्तानी लोकतंत्र में धर्म की, किसी भी धर्म की इतनी जगह होनी चाहिए? क्या धर्म का इतना बड़ा दखल हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए? चारों तरफ धर्म धर्म धर्म, उधर गाय के नाम पे धर्म, इधर मदरसे के नाम पे धर्म, उधर विसर्जन के नाम पर ध्वनि प्रदूषण। कितना धर्म का कितना दखल होना चाहिए रोज की ज़िंदगी में, कितना होना चाहिए? आखिर जो थानों में जो मंदिर बन रहे हैं मध्य प्रदेश के, किसके पैसे पे बन रहे हैं? वो ज़मीन किसकी है? क्या मध्य प्रदेश के अफसरों को, नेताओं को ये समझ नहीं आता कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके किया जा रहा है? या सबको लगता है कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ अपने घर के गणेशोत्सव में प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, तो ये साफ है कि राजधर्म क्या है, इस देश की सत्ता का धर्म क्या है, ये साफ है। लगता है जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसा कि आपसे कहीं कोई चूक हो गई है? आप कहने के लिए कह सकते हो कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या ये अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी नहीं थी जस्टिस चंद्रचूड़? जब आप ऐसा करते हैं तो अलग अलग जगहों पर लोग क्या करेंगे? लोग धर्म का ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको मानता हूं कि आपको प्रधानमंत्री को न्योता देने के पीछे अपने रिटायरमेंट के बाद कोई कुर्सी हासिल करने की आपकी नियत नहीं रही होगी, मैं मान लेता हूं, मैं आपको संदेह का लाभ देता हूं कि आपने बिना किसी स्वार्थ के, बिना वृद्धावस्था पुनर्वास की नियत के आपने ये किया होगा, मैं आपको संदेह का लाभ देता हूं। लेकिन इसका असर क्या हुआ आपको मालूम है? देश की तमाम अदालतों तक, छोटी छोटी जिला अदालतों तक जजों के बीच एक संदेश चले गया कि अपने निजी धर्म का प्रदर्शन करना, उसमें नेताओं को बुलाना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका अंत कहाँ होगा? राज्यों के जो हाईकोर्ट के जज हैं,
ये अपने अपने धर्म के त्यौहार में मंत्री मुख्यमंत्री इनको न्योता देने लगेंगे अपने बंगलों पे और कहेंगे कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। आपने ऐसी मिसाल पेश कर दी है जस्टिस चंद्रचूड़। चलिए, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिएगा कि किसी एक लोकतंत्र में जो कि अभी तक धर्म राज्य थियोक्रेसी नहीं बन पाया है, वहाँ पर हमारी आपकी ज़िंदगी में धर्म का दखल कितना होना चाहिए, सोच के देखिएगा। अगर मेरी ये बातें आपको ठीक लगती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगे अपने कुछ दोस्तों को भेजिएगा और फिर उनसे चर्चा कीजिएगा कि आदमी ठीक बोलता है या गलत बोलता है, मेरे बारे में आप पूछ लीजिएगा अपने दोस्तों से। हो सकता है आप किसी नतीजे पे पहुँच पाएँ, हो सकता है कि आपकी लोकतंत्र की बुनियादी समझ है जो है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि लोकतंत्र क्या होना चाहिए। चलते चलते बस एक छोटी सी सलाह और, कल मेरे आसपास के इलाके में सड़क हादसों में दुपहिया चलाने वाले दुपहियों पर बैठे हुए कई लोग मारे गए, एक दिन में कई मौतें हुई हैं। पुलिस तो हेलमेट लागू नहीं करती है क्योंकि मुझको मालूम है कि सत्ता नहीं चाहती कि लोगों पर कोई भी नियम लागू किया जाए, उनको नाराज किया जाए, तो पुलिस लागू नहीं कर रही है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आपका सिर अगर तरबूज की तरह फटेगा किसी सड़क हादसे में, ये लोग आपका सिर ला के नहीं देंगे, आपके परिवार को भी ला के नहीं देंगे। सिर आपका अपना है, नियम सरकार का हो सकता है, केंद्र सरकार का नियम है, राज्य लागू नहीं कर रही है, लेकिन आप खुद होके लागू करें इस पे कोई रोक भी नहीं है। आप हेलमेट पहन के निकलेंगे तो आपका चालान नहीं होगा, आपके जिंदा घर लौटने की संभावना बढ़ जाएगी। अपने परिवार का ख्याल कीजिए, अपने सिर का ख्याल कीजिए। पूरी ज़िंदगी आप कोमा में पड़े रहें, पूरी ज़िंदगी सिर की चोट के बाद आपको लकवा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलमेट लगाकर ही दुपहिए पर चलिए। फिर मिलेंगे।